हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के एडमिट कार्ड हों जारी हो चुके हैं, जिसका एग्ज़ाम 23 तारीख को होने वाला है, 24 तारीख को होने वाला है और आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड हों आ चुके हैं। कैसे अपना एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, कैसे अपना एडमिट कार्ड आपको निकालना है, जिसमें वैकेंसी आपकी 40,000 प्लस आपकी वैकेंसियों दी गई हैं, तो कैसे आपको एडमिट कार्ड निकालना है, तो कम्प्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगा। वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखनी है। देखिए, ये मैंने उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ओपन कर ली है। इसका जो डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट जो अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। लिंक का वेबसाइट पर जो है, जो एडमिट कार्ड का लिंक है वेबसाइट पर आ चुका है। कैसे आपको डाउनलोड करना है तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन दिया गया आपको, लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो एग्ज़ाम डेट और सिटी का लिंक है वो 16 अगस्त को आया था, और आपका जो एडमिट कार्ड है 20 अगस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 अगस्त आज ही एडमिट कार्ड आए हैं। देखिए, डेट ऑफ डाउनलोड है एडमिट कार्ड 3 डे बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, जो भी एग्ज़ाम डेट होगी आपकी, जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम 23 तारीख को है तो आपका एडमिट कार्ड है आज ही डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 24 तारीख को है तो आप अपने एडमिट कार्ड हैं कल से डाउनलोड करेंगे, तो ऐसे अपने एडमिट कार्ड आपको निकालने हैं। देखिए, किस परीक्षा के दिवस का जो दिन है उसके एडमिट कार्ड कब से आएंगे। अगर 23 तारीख को एग्ज़ाम है आपका तो 20 तारीख से आज से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 24 तारीख को एग्ज़ाम है तो 21 तारीख से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आपको। अगर आपका 25 तारीख को एग्ज़ाम है तो आपको 22 तारीख से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद 30 तारीख का जिसका एग्ज़ाम है वो 27 तारीख से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, और जिसका 31 तारीख का एग्ज़ाम है वो 28 तारीख से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। आज जो एडमिट कार्ड है वो 23 तारीख के एडमिट कार्ड आए हैं। 23 तारीख का जिसका भी एग्ज़ाम है वही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। सिर्फ जिसका 24 का है वो कल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, 25 वाले जो है 22 से, और 30 वाले 27 से, और 31 वाले 28 तारीख से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे। सिर्फ आपको 3 दिन पहले ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड का लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दिया, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देखिए, इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन कैंडिडेट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो है एडमिट कार्ड निकालना है। एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी पंजीकरण संख्या जो है वो यहाँ पर आपको डालना है, डेट ओवर डालना है। अगर आप पंजीकरण संख्या जो भूल गए हैं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करके जो अपना फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल डालनी है, और अपना जो है पंजीकरण संख्या जो आप वो पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ओवर डाल के जो है अपना पंजीकरण संख्या वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वो आप चेक कर लेंगे, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ओवर डाल के लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है। तो वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना, आपको वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना फ्यूचर में ऐसे कोई भी अपडेट पाने के लिए।